हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग 1,050,000 प्रोफाउंड बी लेके उधर से जा रहा होता है। तभी अचानक से शू फेंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन एनर्जी आ जाता है और शू फेंग को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग के पीछे एक 6th लेवल हेवनरी रिलीम का कल्टीवेटर आ जाता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस आदमी की तरफ मुड़ के कहने लगता है, तुम क्या जियान क्लैन के शिफ जियान जिंगपेंग हो? तभी वो आदमी शूफेंग को कहने लगता है, बच्चे तुम बहुत ही स्मार्ट हो। हाँ, मैं जियान क्लैन का शिफ जियान जिंगपेंग हूँ। मैंने तुम्हारा एक्शन बहुत बार नोटिस किया है और तुमने पहले भी हमारे जियान क्लैन को मुसीबत में डाला है और इस बात तो तुमने बहुत ही कर दिया है। तुमने हमारे प्रोफाउंड बी को ले जाने की हिम्मत की है और इसलिए मरने से पहले अगर तुम्हारा कोई आखिरी विश है तो मुझे बता दो। तभी शू फेंग कहने लगता है, ओ आप तो रियली में जियान क्लैन के सीफ है और मैं शू फेंग क्या इतना स्पेशल हूँ कि मुझको पकड़ने के लिए जियान क्लैन के सीफ जियान जिंगपेंग इधर आ गए और मैं आपसे क्या बात करूँ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तभी दिखाया जाता है जियान जिंगपेंग कहने लगता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हारे कारण एबिलिटी को किसने तुम्हारे ऊपर पास किया है और इसके साथ साथ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सीक्रेट टेक्निक भी है और अभी तुमने एक एलिट आर्नामेंट को पाया है, मगर मैं कभी भी बिलीव नहीं कर पाया कि तुम अजू ड्रैगन शेड से इधर आए हो। तभी शू फेंग कहने लगता है, अगर मैं अपने मास्टर का नाम तुम्हें बता दूँ तो तुम बिलीव ही नहीं करोगे और तुम्हारे इतनी औकात भी नहीं है तुम मेरे मास्टर का नाम जान पाओ। अगर तुम मेरे एक उंगली को भी कुछ करने की हिम्मत करते हो तो मेरे मास्टर मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारे कॉम्प्लीट जियान क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी जियान जिंगपिंग कहने लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पीछे कौन है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जियान क्लैन के अगेंस्ट तुमको किसने किया है और अगर तुम इसके बारे में बताना नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा और तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक और एलिट आर्नामेंट को ले लूंगा और उसके बाद तुम्हारे मास्टर का इंतज़ार करूंगा जब तक वो तुमको ढूंढने के लिए और मेरे से बदला लेने के लिए इधर नहीं आ जाते है और जो दिन वो इधर आगे उस दिन में उनको भी इधर मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है जियांग जिंगपिंग शू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शू फेंग अपने ब्लैक टर्टल आर्मन टेक्निक का यूज करने लग जाता है, मगर इस अटैक से शू फेंग तब भी बच नहीं पाता है और उसको बहुत ही दर्द होने लग जाता है। तभी शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ही पावरफुल और टेरिफिक पावर है, मेरे टॉर्टोइस आर्मर ने भी इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक से शू फेंग के चारों ओर एक पावरफुल एनर्जी आ जाता है और जिसकी वजह से जियांग जिंगपिंग के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर जीलिंग का ग्रैंडफादर आ जाता है शू फेंग के पीछे और तभी जीलिंग के ग्रैंडफादर जी जियांगपिंग को कहने लगता है, शू फेंग बहुत ही छोटा है इसलिए तुम मेरा बात सुन के शू फेंग को आज माफ़ कर दो। तभी जी जिंगपिंग कहने लगता है, मगर तुम कौन हो? तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर जी जियांगपिंग को कहने लग जाता है, मैं शू फेंग का फ्रेंड हूँ और मेरा नाम जी जुआंगयांग है। तभी जी जियांगपिंग कहने लगता है, ओ आप ही जी जुआंगयांग है? तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है, ओ बच्चे तुमने क्या मेरा नाम सुना है? तभी जी जियांगपिंग कहने लगता है, बहुत साल पहले क्वींस प्रोविंस का ओवरलॉर्ड था ग्राउंड ग्रास प्रिंस मैनसन और उसको कोई भी हरा नहीं सकता था क्वींस प्रोविंस में। तभी अचानक से प्रेस्टिजियस फिल्म में एक आदमी आया गेस्ट एल्डर के रूप में। ये देखने में बहुत ही सिंपल था मगर उसने धीरे धीरे प्रेस्टिजियस फिल्म के कुछ चीज़ को चेंज करने लग गया और धीरे धीरे पावरफुल हो गया जब तक वो लोग ग्राउंड मेंशन को हरा ना दे और आखिरी में क्वींस प्रोविंस का ओवरलॉर्ड बन गया। तभी जिंग जिंगपिंग कहने लगता है, क्या आपने ही ग्रास ग्राउंड प्रिंस मैंसन को हराया जिसके बाद आप क्वींस प्रोविंस के ओवरलॉर्ड बन गए हैं? तभी दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं रियली में इतना फेमस हूँ? मगर
बाहर के लोग तो इसके बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते। क्या तुम्हारे जीलिंग क्लैन ने इसके बारे में बहुत ही रिसर्च किया है? तभी दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर फिर से जी जिनपिंग को कहने लगता है, जी जिनपिंग तुम मेरे लिए शूफेंग को आज इधर माफ़ कर दो और इधर से जाने दो। तभी जी जुआंगपिंग कहने लगता है, सीनियर जी जुआंगयांग ऐसा कह रहे हैं तो आज मैं शूफेंग को इधर जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो मैं शूफेंग को इधर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर जी जिनपिंग को थैंक यू कहने लगता है शूफेंग को माफ़ करने के लिए। तभी जी जिनपिंग कहने लगता है, सीनियर तो बहुत ही पोलाइट है और मैं इतने में कहना चाहूँगा कि आपने तो ग्रास प्रिंस मेंशन को भी हराया है, इसलिए आपका पावर तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होगा, इसलिए मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और अपने रिलिम को सरपास करने के लिए आपसे कुछ टिप लेना और आपसे फाइट करना चाहूँगा, मगर इधर मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर शूफेंग को थोड़ा हटा के कहने लगता है, ठीक है मैंने सुना है जियान क्लैन बहुत ही पुराने समय से है, इसलिए मैं देखना चाहूँगा जियान क्लैन के चीफ का कितना पावर है, इसलिए तुम्हें अपना पावर मुझे दिखाओ। तभी दिखाया जाता है जियान क्लैन का चीफ जी जिनपिंग ग्रैंडफादर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर अपने एनर्जी वॉल को क्रिएट कर लेता है और जियान क्लैन के शिफ्ट के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों का अटैक क्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल वेव चारों ओर जाने लग जाता है। तभी शूफेंग इन दोनों के पावर लेवल को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जी लिंग के ग्रैंडफादर जी क्लैन के शिफ को पीछे हटा देते हैं। तभी हमें जी क्लैन के शिफ को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। तभी वो जी लिंग के ग्रैंडफादर को कहने लगते हैं, सीनियर आप तो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मैं अपना डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इधर से जा रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है वो बहुत ही तेज़ी से उधर से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है जो जीलिंग के ग्रैंडफादर का इतना पावर देख के बहुत ही खुश होने लग जाता है और उनकी तरफ देख के कहने लगता है, एल्डर जुआनयान मैंने कभी भी नहीं सोचा था आप इतने पावरफुल होंगे, आप तो बहुत ही ऑसम है। तभी जीलिंग के ग्रैंडफादर कहने लगता है, वो तो मेरे लिए बहुत ही छोटा बच्चा है और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपना थोड़ा पावर लगा देता तो वो इधर ही मर जाता। तभी शूफेंग हैरान होकर कहने लगता है, एल्डर जुआनयान मगर अगर आप उनको आज इधर ही मार सकते तो आप उसको इधर क्यों नहीं मारे। तभी ग्रैंडफादर कहने लगते, कल्टीवेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं मारता हूँ। तभी एल्डर फिर से कहने लग जाते, अगर टाउन किंग मेरे डॉटर को मार भी देता तो मैं उसका बच्चे को लौटा देता। तभी शूफेंग कहने लगता है, मगर मैं ब्लैक टाउन किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियान क्लैन के शिव जियान जिनपिंग के बारे में कह रहा हूँ, उसने तो बहुत सारे एलिट आर्नामेंट को छुड़ाने की हिम्मत भी की है। तभी ग्रैंडफादर कहने लगता है, जियान क्लैन के वो बुद्धा जो जियान क्लैन का सक्सेसर है उसके अलावा कौन मुझे हरा सकता है, और इसके अलावा उस बुद्धे को मुझे हराने के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है, और मैं जियान डायनेस्टी के कारण एंसिस्टर के अलावा इस 9th प्रोविंस में किसी से भी डरता नहीं हूँ। जिस बात को शूफेंग सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, वो आदमी के इतनी पुराने समय से जिंदा भी है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग जीलिंग के ग्रैंडफादर को थैंक यू करने लग जाता है उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तभी ग्रैंडफादर कहने लगता है, तुम जल्दी से इधर से चले जाओ, नहीं तो जियांगयान क्विंगलिंग और आदर तुम्हें इधर पकड़ लेंगे अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता हूँ। तभी ग्रैंडफादर को कुछ याद आ जाता है और शूफेंग को कुछ चीज़ देने लग जाता है और कहने लगता है, इसको तुम 1 महीने के लिए अपने साथ ही रखना और इस क्वींस प्रोविंस से मत जाना। तभी शूफेंग इस चीज़ को देख के कहने लगता है, ये तो पोजिशनल तिलस्मान है, ये तो ब्लू क्लोथ एनर्जी पोजिशनल तिलस्मान है, ये तो बहुत ही रेयर होता है, मगर एल्डर मुझे ये क्यों दे रहे हैं।
तभी शूफेंग को ग्रैंडफादर कहने लगता है, मेरी तरफ ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये देने नहीं वाला था, मेरी ग्रैंडसाइल ने ही इसको तुम्हें देने को कहा है और इसके अलावा तुम्हें इज़र बचाने आने को भी उसने ही कहा है। तभी शूफेंग ये बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और थोड़ा खुश होने भी लगता है और कहने लगता है, क्या रियली में जीलिंग ने ऐसा करने को कहा है। तभी दिखाया जाता है ग्रैंडफादर उधर से जाने लग जाता है और जाते जाते शूफेंग को कहने लग जाता है, शूफेंग जल्दी से इधर से चले जाओ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग भी उधर से जाने लग जाता है, मगर शूफेंग कहने लगता है उस फील का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तभी दिखाया जाता है दूर से ग्रैंडफादर शूफेंग की तरफ देख के कहने लगता है, ये बॉय काइंड हार्टेड नहीं है मगर इसके पास पावरफुल किलिंग इंटेंट है और शायद यही मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए सही लड़का होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग आगे जा रहा होता है, तभी अचानक से शूफेंग का उस रेड पिल का साइड इफेक्ट होने लग जाता है और शूफेंग को कुछ होने लग जाता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग नीचे जाके एक गुफा के अंदर चला जाता है और उस हीलिंग पिल को खाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है दर्द के मारे शूफेंग उधर ही गिर जाता है और उधर ही बेहोश हो जाता है और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।